बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन अख्तर और आप देख रहे हैं ऐसे फूड आरासी। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं मूली परांठे की फिलिंग, जो कि हम इस तरीके से बनाएंगे। तो आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मूली परांठा की फिलिंग बनाने के लिए हमें ये अज़ा की ज़रूरत होगी। ये अज़ा हमारे जाएंगे मूली परांठे की फिलिंग के लिए। मूली एक दिन हमने ली है, उसको कद्दूकश कर लिया हमने, तो बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया। और एक अदद हमने प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया। और तीन सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने, उनको चॉप कर लिया। और दो अदद नींबू और धनिया जाएगा हमारा, फ्रेश धनिया जाएगा। तो हल्दी पाउडर जाएगा हमारा एक टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, और जड़ा मिर्च एक टीस्पून, और नमक आधा टीस्पून। ये अज़ा जाएंगे हमारे फिलिंग के लिए। तो आप इंशाल्लाह हमारे तरीके से बनाएं और मुकम्मल रेसिपी देखें। तो घर में आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मेन चीज़ होती है फिलिंग। फिलिंग अगर अच्छी बन जाएगी तो परांठा खुद ब खुद अच्छा बन जाता है। एक पैन में हम घी डालेंगे 4 से 5 चम्मच, ऑयल डाल लें, घी डाल लें, हम ऑयल डाल रहे हैं। तो इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, जो हमारा एक अदद प्याज था चॉप किया होगा, उसको शामिल करेंगे। और हम 5 से 6 मिनट इसको कुक करेंगे। आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा सोटी करना है कि ये नरम हो जाए। तो उसके बाद हम दूसरे मसाले शामिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हैं, हमने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं प्याज के अंदर। तो ऐसे आपने इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है और थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसको भून देनी है। उससे फ़ायदा होता है, ये हमारा प्याज है गल जाता है, नरम हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त पर सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। और हमारा जो मूली का चॉप किया हुआ, इसको हम शामिल कर देंगे। इसका आपने पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है मूली का। अगर पानी ज़्यादा होगा तो फिर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे आपने मिक्स करके, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो ये फिलिंग बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। तो इसमें हम नींबू भी शामिल करेंगे, नींबू से इसका जायका बहुत अच्छा निकलता है। आप देख सकते हैं, ऐसे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आपने 8 से 10 मिनट कुक करना है इसको मीडियम आंच पर। तेज़ आंच पर करेंगे तो आपकी ये फिलिंग नीचे लग जाएगी, तो उससे जो जायका ख़राब हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल फ्रेश जायका चाहिए, मूली का भी जायका और हर चीज़ का जायका आना चाहिए। तो ये नींबू आपने शामिल कर देना लास्ट पे। नींबू शामिल करके और धनिया हमने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है, धनिया शामिल कर देंगे। हमारी ज़बरदस्त फिलिंग तैयार है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।